But any additional cost because government is not performing is a tax on you. Think that way. Start thinking that way. मेरे मुंबई करों से अपील है कि इस तरह से सोचो, जहां भी एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है आपको, वो आपके ऊपर टैक्स है। महंगाई बढ़ रही है, अगर वो आर्टिफिशियल महंगाई है, वो जानबूझ के इस तरह से प्लान की जा रही है, तो वो एक्स्ट्रा टैक्स है आपको, वो कलेक्ट किया जा रहा है आपसे इनडायरेक्टली, वो पॉलिटिकल सिस्टम में जा रहा है ब्लैक मनी बन के। तो इस तरह का हमको एक विजन तैयार करना है जिसके गोल्स ऐसे होंगे। जीडीपी ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ाया जाए प्लानिंग के अंदर, इंटीग्रेटेड विजन में। मुंबई की जो जीडीपी है पिछले कुछ दशकों में महाराष्ट्र से भी कम हो गई है, पहले मुंबई की ज्यादा थी जीडीपी ग्रोथ, ग्रोथ वो कम हो रही है, परसेंटेज ऑफ महाराष्ट्र की बढ़ती जा रही है लेकिन मुंबई की कम होती जा रही है। ये डेंजरस साइन है। दूसरा, उनकी भी बढ़नी चाहिए लेकिन इनकी भी बढ़नी चाहिए उसी हिसाब से, एवरेज में उतनी होनी चाहिए कम से कम। क्या चाहिए इसके लिए, जीडीपी ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट करने के लिए? नीड टू फाइंड सेक्टर, ऐसे सेक्टर इंडस्ट्री के मुंबई में लाने पड़ेंगे, और उन सेक्टरों को जो कि पैरामीटर में सेट नहीं करते उनको धीरे धीरे बाहर ले जाना पड़ेगा। दिस इज अर्बन प्लानिंग। 20 साल के अंदर ये करना, 10 साल के अंदर कर सकते हैं धीरे धीरे पॉलिसीज उसी तरह की बना के। दिस डी इंसेंटिवाइज सर्टेन इंडस्ट्री, इंसेंटिवाइज सर्टेन इंडस्ट्रीज, दिस इज व्हाट कॉल्ड अर्बन प्लानिंग, जिससे कि इंसेंटिव करने से वो इंडस्ट्री अंदर आए, डिसइंसेंटिवाइज करने से, जैसे मिल, बड़े शहरों में मिल की क्या जरूरत है, ज्यादा जगह लेती है और कम प्रोडक्शन करती है, उनको बाहर जाना चाहिए क्योंकि मुंबई में जगह कम है। आगे बढ़ते हैं, हाई रिटर्न स्क्वायर मीटर, मतलब हर स्क्वायर फीट के ऊपर ऐसी इंडस्ट्री का कल्पना करनी पड़ेगी हमको जिससे कि हर स्क्वायर मीटर के ऊपर ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट उस तरह का जनरेट हो और ज्यादा से ज्यादा यूसेज बढ़े क्योंकि जगह कम है। यूज मुंबई नेचुरल एनवायरमेंट, मुंबई में सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है, प्रोफेशनलिज्म एंड कमर्शलाइजेशन, यानी यहाँ के लोग जो है ना बहुत ही प्रोफेशनल हैं, यहाँ का वर्क कल्चर फार सुपीरियर देन एनीवेयर इन इंडिया, तो हमको उसको एक स्ट्रेंथ मानकर उसके उसको सोच के अर्बन प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसका यूटिलाइजेशन बेस्ट होना चाहिए। नॉन पोल्यूटिंग एंड नॉन एनवायरमेंटली फ्रेंडली होना चाहिए क्योंकि जगह कम है। कई हम लोग इमीडिएटली नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्री को हटा नहीं सकते, धीरे धीरे हटा सकते हैं, लेकिन वो ऐसे जगह में होनी चाहिए जहां पे लोगों के ऊपर इफेक्ट ना पड़े। मुंबई में नहीं हो सकते, हाईली डेंसली पॉपुलेटेड सिटी है, इंडस्ट्री को हटाना पड़ेगा वहां से। तो क्या हो सकता है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हो सकते हैं हम लोग मुंबई में होनी चाहिए, इस तरह की इंडस्ट्रीज होनी चाहिए। फाइनेंशियल सर्विसेज, मुंबई को फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर बनाना है दुनिया का, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम ऐसी इंडस्ट्रीज को सोचें जो कि फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड है। मीडिया एशिया का हब हो जाना चाहिए मुंबई, मीडिया इंडस्ट्री शुड बी इन इंडिया बिकॉज स्पेस कम लेती है, टेक्नोलॉजी ज्यादा यूज करती है, पर स्क्वायर फीट आउटपुट ज्यादा है। आईटी एंड आईटीएस, अगेन इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड इंडस्ट्रीज शुड नॉट बी हियर बिकॉज ज्यादा जगह लेती है और कम आउटपुट देती है, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री शुड बी इन ए सेपरेट बिग इंडस्ट्रियल एरियाज आउटसाइड बिग सिटीज, स्पेशलाइज डिजाइन फॉर दोज इंडस्ट्रीज। ये अर्बन प्लानिंग का सब्जेक्ट है, आपको मैं गारंटी देता हूं बीएमसी में चले जाइए कोई सोचता नहीं इस तरह से। फैशन एंड मर्चेंडाइज, ये इंडस्ट्री यहां पर जगह, अगेन वही पैरामीटर क्या है उस पैरामीटर में फिट होती है। फार्मा बायोटेक एंड जेल, मतलब रिसर्च बेस्ड इंडस्ट्री जहां पर रिसर्च बहुत होता है, जगह कम लगती है, रिसर्च
बहुत होता है वैसी इंडस्ट्रीज को हम ऐसी, तो ऐसा प्लानिंग करना चाहिए जिससे कि इस ये सब इंडस्ट्रीज हमारे मुंबई में धीरे धीरे आए और बाकी जो नॉन प्रोडक्टिव और हाई कॉस्ट ऑफ जगह होने की वजह से है उनको धीरे धीरे बाहर शिफ्ट किया जाए ऑन ए डिजिग्नेटेड एरियाज। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, इंक्रीज सप्लाई ऑफ लैंड, लैंड चाहिए फिर भी लैंड तो कम है ऑलरेडी ज्यादातर ऑक्यूपाई किया हुआ लैंड है इंडिया में मुंबई में लेकिन हम उसको यूज नहीं कर रहे। आईपीसीएल, बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट, डिफेंस, मजगांव डॉक्स, बीएआरसी, आईपीसीएल, एचपीसीएल, इतना लैंड पड़ा है उसको रिसाइकल, वो सिटी का ओनरशिप में आना चाहिए। वो किसका लैंड है? वो तो बीपीटी का लैंड है। हु इज बीपीटी? बीपीटी का ओनर कौन है? हम। वो लैंड, वो ऐसा क्या कानून है कि जिसमें वो बीपीटी का लैंड ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है मुंबई के लिए? क्यों नहीं कर सकते? बहुत सरप्लस लैंड है, सॉल्ट पैन पर जाने की जरूरत नहीं है, एनवायरमेंट को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, लैंड बहुत अवेलेबल है। पॉलिटिकल विल चाहिए क्योंकि लीडरशिप की कमी है, इसलिए ये लैंड जो है वेस्ट जा रहा है और मुंबई सफर कर रहा है। दूसरा चाहिए हमको इंफ्रास्ट्रक्चर, कोऑर्डिनेटेड पार्टिसिपेशन, कोऑर्डिनेटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रेल, बसेस, टैक्सीज और वाटरवेज, इसका कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होना चाहिए। कुछ दिन पहले, दो तीन पांच साल पहले जब मैं ग्रेडिएशन का प्रेसिडेंट था तो मेरी वाइफ और बच्चे के साथ गया था यूरोप, एक जगह से एक टिकट खरीदी, चार पांच ट्रांसपोर्ट ट्रेवल करते हुए मैं डेस्टिनेशन पे पहुंच गया, ट्रेन में भी बैठा, बोट में भी बैठ गया, बस में भी बैठ गया और डेस्टिनेशन पहुंच गया एक लग के लग। जहां ट्रेन से उतरा इमीडिएटली नेक्स्ट बस टाइम पर अवेलेबल है, बैठ गए उसमें जाके आगे गए। इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट चाहिए, रेल अपनी तरह से काम करेगी, बस वाले अपनी तरह से काम करेंगे तो क्योटिक सिचुएशन होने ही वाली है जैसी कि मुंबई में है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज द हार्ट ऑफ अर्बन इंडिया, अर्बन सिटीज। अगर आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ ध्यान नहीं दिया, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट इज नॉट मैनेजेबल। अगर 1,50,00,000, अगर जीडीपी बढ़ भी गई, सबके पास पैसा भी आ गया, सब कुछ आ गया और नैनो जैसी गाड़ियां भी अवेलेबल हैं और सबने गाड़ियां खरीद ली, कहां चलाएंगे? मुझे पक्का विश्वास है कि ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपना सर तो नहीं देंगी चलाने के लिए। तो मित्रों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एन इंटीग्रेटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज मस्ट। वाटर एंड पावर सप्लाई, जैसे जैसे इसे जिस तरह की कल्पना आई है उसमें वाटर और पावर की ज्यादा जरूरत पड़ेगी और हमको उसके बारे में सोचना पड़ेगा। जब अर्बन आप प्लानिंग करेंगे मुंबई की तो इसको ये एक की फैक्टर रहेगा, की फैक्टर रहेगा। सीवेज एंड ड्रेनेज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, डिस्पोजल, ये एक की फैक्टर रहेगा। अर्बन प्लानिंग करते समय इनका ध्यान रखना पड़ता है, एक्सपांड सीवेज, ड्रेनेज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड डिस्पोजल। टेक्नोलॉजिकली दुनिया के एडवांस देश आगे बढ़ चुके हैं, हम लोग वहीं के वहीं खड़े हैं, इसीलिए चारों तरफ आपको कचरा दिखता है, वेस्ट दिखता है, क्योंकि लीडरशिप और गवर्नेंस में भी प्रॉब्लम है। अर्बन प्लानिंग करते समय यह देखना पड़ेगा, यह भी देखना पड़ेगा कि लोग अगर थूकेंगे तो कहां थूकेंगे, लोग अगर कचरा फेंकना चाहें तो कहां फेंकेंगे। आप सड़कों पे चले जाइए, आप पेपर है, पेपर में यूज कर लिया, फेंकना चाहते हैं, मुंबई में कहां फेंकेंगे आप? है कोई ऐसी जगह, जगह जगह पे जहां पे फेंक सकें आप? टॉयलेट, क्राउडेड एरिया है, टॉयलेट जाना चाहते हैं, कहां जाएंगे? लेडीज तो मैं गारंटी देता हूं किसी भी टॉयलेट में नहीं जा सकती, उनको सफर करना पड़ेगा, होल्ड ऑन करना पड़ेगा 5 घंटे तक, किसी तरह दौड़ते दौड़ते फिर वहां तुम पहुंचो, शर्म की बात है इस देश के लिए, मुंबई के लिए।
मनुष्य जो है मैन, वो नाक बंद करके जाएगा, जल्दी जल्दी करके आएगा, भाग जाएगा, और वो भी कम से कम तो 3-4 किलोमीटर उसको चलना पड़ेगा टॉयलेट पाने के लिए। अगर वो बहुत लकी है उस दिन उसी के सामने आ गई तो बात दूसरी है। मित्रों शर्मदार बात है कि इतना बड़ा 22,000 करोड़ का बजट होते हुए भी बीएमसी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बेसिक सर्विसेज आपको प्रोवाइड नहीं कर रही है, और बड़े बड़े वादे लेके हर इलेक्शन में आ जाते हैं कि हम ये कर देंगे और हम वो कर देंगे एंड ऑल दैट। अरे हमको कुछ ना मत करो, कम से कम ये बेसिक सुविधाएं दे दो। लोकसत्ता पार्टी वादा कर रही है कि इस पर पूरा ध्यान होगा और इसी को ही करेंगे, किसी को कलर टीवी नहीं देंगे, किसी को हम 500 या 1000 रुपए का नोट नहीं देंगे वोट खरीदने के लिए, नहीं देंगे, लेकिन ये सुविधा जरूर देंगे। फास्ट ट्रैक सोशल हाउसिंग, किसी भी शहर में बैलेंस मेंटेन करने के लिए रेंटल हाउसिंग पर बहुत ध्यान दिया जाता है। मुंबई में कोई मास रेंटल हाउसिंग है ही नहीं, आप मजबूर है झुग्गी झोपड़ी में रहने के लिए। उस दिन डॉक्टर आजाद से बात हो रही थी, हमारे सेक्रेटरी मुंबई पार्टी के, वो अच्छा कमाते हैं, अगर उनको डिसेंट प्राइस पर अगर रेंटल हाउसिंग मिलती है तो वो उसमें रहना चाहेंगे, लेकिन मिलती नहीं है तो कहां रहते हैं बेचारे, एक झुग्गी झोपड़ी कितनी गंदी बस्ती में रहते हैं बांद्रा ईस्ट में, जहां डॉक्टर है पेशे से, पदयून में रहना पड़ता है क्योंकि गैप खरीदने की कैपिटल है नहीं, और है भी तो कहां जाके खरीदो, करीबन 65-70 किलोमीटर दूर जाके खरीदो, आप अपना व्यवसाय छोड़ के चले जाऊंगा। शर्मदार बात है। हेरिटेज एंड कंजर्वेशन, दिस इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट इन अर्बन प्लानिंग, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि आपको अपनी जो पुरानी हेरिटेज है उनको संभाल के, आप किसी भी यूरोपियन कंट्रीज में चले जाइए 500 साल पुरानी बिल्डिंगें दिखेंगी आपको, और एकदम चमकती हुई दिखेगी, प्राउड लगेगा कि कितनी अच्छी बिल्डिंग बनी है यहां पे। अभी कई बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत रगड़ पट्टी करने के बाद आप थोड़ा सा छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, क्योंकि वो वर्ल्ड हेरिटेज में आ गया है, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस, क्योंकि उनको खुद के ऑफिस के ऊपर शर्मा रही है, तो थोड़ी क्लीनिंग हुई है। हमको अपनी हेरिटेज पे गर्व होना चाहिए, हमारी फ्यूचर जनरेशन को हम क्या देने वाले हैं इस पर गर्व होना चाहिए। ऐसी बिल्डिंगें जो हम बना ही नहीं सकते, जो हमको गिफ्ट में मिली है अंग्रेजों से, वो भी हम मेंटेन नहीं करते, बनाने की तो बात ही दूसरी है, हेरिटेज तो हम क्रिएट ही नहीं कर रहे। हम अपने अंकिता रूबन, वी आर सॉरी, वी विल नॉट गिव यू एनीथिंग इन योर लाइफ, ओनली वी विल गिव यू ट्रबल, फेस द ट्रबल एंड डाई लाइक ट्रबल विद द ट्रबल। अंकिता और रूबन हमारे युवा सत्ता के लीडर्स हैं, लेकिन एक वादा लोकसत्ता पार्टी जरूर करती है कि अगर आप मैदान में उतर गए और आप जैसे नवयुवक कई मैदान में उतर गए, तो ये विजन जरूर तैयार हो जाएगा और होगा। तो फ्रेंड्स ये बहुत जरूरी है। फिजिकल सिक्योरिटी अगर करनी है तो दोनों में, कल बात हुई थी, पुलिस रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे और डिजास्टर मैनेजमेंट, सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन ने काफी बड़ी प्लानिंग की हुई है, और उसके अलावा आपको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करना पड़ेगा पुलिस अपरेटस को क्रिएट करने के लिए। सोशल सिक्योरिटी में आपको ट्रेनिंग स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे ताकि उनकी स्किल्स बढ़े, जिसके कारण उनको खुद को सोशल सिक्योरिटी के अपने अपने पांव पे खड़े हो सके लोग, वो भी एक दैट इज ए सैंपल, दैट इज ए सिग्नल की सोशल सिक्योरिटी आपको आ जाती है जैसे ही आप अपने पांव पे खड़े हो जाते हैं। और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को हमारे मुंबई द्वारा टैक्स जो कलेक्ट किया जाता है उसका काफी बड़ा हिस्सा मुंबई को वापस देना पड़ेगा, नहीं तो मुंबई शंघाई कभी नहीं बन सकता। ये इंटीग्रेटेड विजन हमको उसके लिए भी लड़ना पड़ेगा। एजुकेशन एंड सोशल सर्विसेज, इसके बारे में ध्यान रखना पड़ेगा।
आपकी पॉपुलेशन के मुताबिक आपको डिजाइन करना पड़ेगा, स्कूल सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज इस तरह की हो जो केवल एक किलोमीटर डेढ़ किलोमीटर आपके घर से होती हो। मेरा बच्चा जब स्कूल जाता था तो उसको कम से कम तो 15 किलोमीटर रोज ट्रेवल करना पड़ता था, 15 किलोमीटर जाना 15 किलोमीटर आना, 30 किलोमीटर हो गया बच्चे के लिए। अर्बन प्लानिंग नहीं है, इसलिए अमेरिका जैसी कंट्रीज में या डेवलप कंट्रीज में स्कूल डिस्ट्रिक्ट बोला जाता है, वहां पे पैरामीटर है कि डेढ़ किलोमीटर से ज्यादा बच्चा आगे नहीं जाएगा, क्योंकि सभी स्कूल एक ही समान शिक्षा देते हैं, सभी स्कूल बराबर है। इस तरह की प्लानिंग हमको करनी पड़ेगी ताकि वो मुंबई के लिए काम करे। क्लीन एयर, ओपन स्पेसेस, क्लीन वाटर, आपकी जब भी अर्बन प्लानिंग करेंगे ये तीन फैक्टर जरूर रहेंगे। सफिशिएंट स्पेस, बच्चे खेलेंगे कहां, बुड्ढों के लिए गार्डन कहां होना चाहिए, कितनी दूर होना चाहिए, हर कॉलोनी में एक गार्डन जरूर होना चाहिए, हर कॉलोनी में एक प्लेग्राउंड जरूर होना चाहिए। कोई सोच रहा है आज, ये पॉलिटिकल पार्टी बार बार वोट मांगने आती है, आपने कभी पूछा उनको कि मैं वॉक करने के लिए कहां जाऊं? वो बोलेंगे नेपेंसी रोड पर वो प्रियदर्शनी पार्क है वहां जाओ, रहता हूं मैं परेल में हूं, तो जब तक वहां पहुंचूंगा मेरा वॉक तो हो ही जाएगा। तो जिस वॉक पे मैं जा रहा हूं गंदी सड़कों से, सड़ी हुई बदबू से जाते हुए, मैं अच्छी हेल्थ सर्विस पाकर वापस आ जाऊंगा। वो ऐसी वॉक हो गई घर पहुंचते ही मैं बीमार पड़ जाऊंगा, डॉक्टर के पास जाऊंगा, पैसा खर्च होगा, एक्स्ट्रा टैक्स लग गया मेरे ऊपर। अर्बन प्लानिंग करते समय इन चीजों का, इन फैक्टरों का ध्यान रखना पड़ता है कि कितने किलोमीटर पर मेरे को ये एक्सेस होनी चाहिए, मुझे एक्सेस होनी चाहिए, हर सिटीजन को एक्सेस होनी चाहिए। इसीलिए अर्बन प्लानिंग करते समय ध्यान रखना पड़ता है क्लस्टर हाउसिंग के बीच में गार्डन होता है, स्कूल होता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, अगर एक डेढ़ किलोमीटर के अंदर आप तो उससे क्या होगा, आपका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बचेगा, लोड जो ट्रांसपोर्ट का आप अभी गाड़ी में जाते हैं डॉक्टर के पास वो जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्लीन एयर है इसलिए वॉक करेंगे तो हेल्थ बीमार कम पड़ेंगे आप, आपकी एनर्जी बढ़ेगी, आपका पोटेंशियल बढ़ेगा, आप अगर आपका ऑफिस वगैरह बगल में है तो आप मेहनत कम लग रही है एनर्जी की, आप आउटपुट आपका बढ़ जाता है। जब हर सिटीजन का आउटपुट बढ़ जाता है तो पूरे देश का, पूरे शहर का आउटपुट बढ़ जाता है। लीडरशिप, कल डिस्कशन हो चुका है ऑलरेडी, मुंबई को डायरेक्टली इलेक्टेड मेयर चाहिए, एक पावरफुल एग्जीक्यूटिव जो कि देश, इस शहर को लीडर बने और डिसीजंस ले और डायरेक्टली अकाउंटेबल टू पीपल, ये इंटरमीडिएट द्वारा नहीं, अगर काम नहीं करता है अकाउंटेबल टू पीपल, निकाल दो उसको अगले इलेक्शन में, अगर उसको अगले इलेक्शन में जीतना है तो डिलीवर कर। अभी तो भाया वो एक सर्कल में जाके मेयर बन जाते हैं, म्यूनिसिपल कमिश्नर कंट्रोल करता है। दूसरा, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज पुलिस एजेंसीज एंड ऑल अदर एजेंसी शुड वर्क अंडर हिम। थर्ड, पीपल पार्टिसिपेशन के लिए कल डॉक्टर केदार दीवान ने कहा था वार्ड कमेटीज एंड एरिया सभास ग्राउंड लेवल पर, ताकि लोकल एरिया आप अपने आप खुद मैनेज करें। जहां प्रिंसिपल यह है कि जो सर्विस नीचे मैनेज की जा सकती है सबसे लोकल लेवल पर वो वही मैनेज होनी चाहिए, वहां जो मैनेज नहीं हो सकती उसके ऊपर आनी चाहिए, वहां नहीं मैनेज हो सकती तो ऊपर आनी चाहिए, यहां उल्टा है, जो यहां मैनेज हो सकती है, जो नहीं मैनेज यहां हो सकती है वो नीचे जानी चाहिए। ऐसी कोई सर्विस रही नहीं गई जो मैनेज नहीं हो सकती, यहां से कुछ नीचे जाता ही नहीं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज डूइंग एवरीथिंग, 70% बजट सेंट्रल गवर्नमेंट का, 70% टैक्स कलेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट रिमेन्स विद द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, 30% ओनली कम्स टू द स्टेट गवर्नमेंट्स, और लोकल गवर्नमेंट के लिए कोई प्रोविजन ही नहीं है। तो गवर्नेंस की चेंज, इट शुड बी बॉटम अप अप्रोच, एरिया सभा, वार्ड कमेटी, इस तरह से नीचे से ऊपर मेयर तक जाना चाहिए। पावर शुड बी डिवॉल्व टू द लोएस्ट एंटिटी इन मुंबई।
मनी लास्ट सेक्शन 50,000 करोड़ के करीब एनुअली कंट्रीब्यूट करती है, हमको मिलता है 1500 करोड़, 3%। 22,000 करोड़ के ऊपर से मतलब मुंबई कलेक्ट टैक्सेस टोटली अराउंड 70,000 से 75,000 करोड़ इंक्लूडिंग बीएमसी, और रह जाता है खाली 22,000-23,000 करोड़। पैसा है, देयरफॉर मुंबई मस्ट गेट द सिग्निफिकेंट अमाउंट। लोकसत्ता ने एस्टिमेट किया है कि करीबन 15 साल में 2,25,000 करोड़ चाहिए टू सेटअप दिस काइंड ऑफ अर्बन प्लानिंग इन शेप। मनी इज देयर, सो पैसा है, उसे लेना ही है खाली, ऐसा नहीं है कि नया पैसा को जनरेट करना है, देना है। प्लान इज देयर, प्लान भी बना लिया, ग्रेट डिटेल एड्रेसिंग एवरीथिंग, अपने आप नहीं होगा, वी हैव टू पुट इट टुगेदर। हमको आगे आना पड़ेगा, लीडरशिप लेनी पड़ेगी, इसको इंप्लीमेंट कराना पड़ेगा। सारी मुंबई करों से अपील है, सब इकट्ठे हो जाइए, प्लान है।